मवेशियों पर लगाम लगाए जाने के लिए जहां छत्तीसगढ़ सरकार रोका छेका अभियान चला रही है, तो वहीं मुंगेली जिले के जरहा गांव में मवेशियों को खुला छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावनाओं के साथ ही फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है। वहीं जरहा गांव ग्रामीण बैंक प्रबंधन की एक और बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई है, जहां बैंक के गेट के पास लापरवाही से अर्थिंग के बिजली के तार लगाए गए और तार की चपेट में आने की वजह से एक आवारा मवेशी की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। इस पूरे मामले पर बैंक प्रबंधन अपनी लापरवाही पर पर्दा डालते हुए जानवर मालिक को ही जिम्मेदार बता रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि लापरवाही बैंक प्रबंधन की है, इससे जानवरों के अलावा आम लोगों को की भी जान को खतरा बना रहता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर बैंक प्रबंधन समिति के द्वारा अगर अर्थिंग लगाई गई है या विद्युत प्रवाहित के लिए व्यवस्था के लिए वो बिजली की व्यवस्था की गई है, तो ये सारी जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की ओर से जाती है। और अगर कहीं मकान मालिक के द्वारा भी अगर लगाया गया होगा तो वो भी जिम्मेदारी मकान मालिक। चबोली में केंद्र और राज्य